एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्च की और पाया कि वहाँ हीरों का भंडार है। उस भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। ये बात सबसे छुपाने के लिए उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास जंगल में अपना कैंप लगाया। रिचर्ड, जब तक हम इस रॉकेट को लॉन्च ना कर दें, हमें ये बात सारी दुनिया से छुपानी होगी। अगर किसी को हमारी खोज के बारे में पता चल गया तो उन सारे हीरो पर सरकार अपना कब्जा जमा लेगी। तुम बिल्कुल सही कहते हो, ये सिर्फ हमारी खोज है, इसलिए उन सारे हीरो पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बहुत दूर हैं। यहाँ पास में सिर्फ एक छोटा सा गांव है और वहाँ के लोग बहुत नासमझ हैं। उन्हें कभी हमारी तरकीब के बारे में पता नहीं चलने वाला। फिर एक दिन उसी गांव में रहने वाला लल्लन किसी काम से शहर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैंप पर पड़ती है। अरे ई का है, ई कौन लोग हैं? आखिर ये सब यहाँ क्या चल रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, मुझे पता लगाना होगा। फिर लल्लन चुपके से कैंप के पास जाता है और कैंप में झांक कर देखता है। वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। लल्लन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। भाई, अगर हमने चंद्रमा पर ये रॉकेट पहुँचा दिया तो ये वहाँ हीरो के भंडार के बारे में सही सही पता लगा लेगा, फिर हम अरबों के मालिक बन जाएंगे। तुम सही कहते हो डॉक्टर कुमार, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे दैया रे दैया, ये लोग तो करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यही रॉकेट है जिसे ये लोग चंद्रमा पे भेजने की योजना बना रहे हैं। वाह बेटे लल्लन, आज तो तेरे हाथ बहुत बड़ी खुफिया जानकारी लग गई है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मुझे अभी के अभी जाकर कालिया को इसके बारे में बताना होगा। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया के घर पहुंच जाता है। कालिया भाई, आज मुझे जो जानकारी मिली है तुम उसका यकीन नहीं करोगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? भाई, जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने जंगल में एक कैंप लगा हुआ देखा। जब मैंने वहाँ पहुँच कर उनकी बातें सुनी तो भाई मैं तो दंग रह गया। वो लोग चंद्रमा पे रॉकेट भेजने की बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ हीरो का भंडार है जिसकी कीमत अरबों में है। लल्लन भाई, तुमने कोई नशा तो नहीं कर रखा ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भाई, मुझे पहले ही पता था तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ चल कर देख लो कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर लल्लन और कालिया फिर से जंगल में बने खुफिया कैंप के पास पहुंच जाते हैं। देख भाई कालिया, अब तो विश्वास हो गया तुम्हें, ये वही कैंप है जहां वो साइंटिस्ट रहते हैं, और वो देखो ये वही रॉकेट है जिसे ये लोग चांद पर भेजने के चक्कर में हैं। चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें इनकी बातें सुनाता हूँ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, आज रात को ही इस रॉकेट को चंद्रमा पर भेजना होगा। अगर हमने और इंतजार किया तो हो सकता है हमारी हीरो की खोज के बारे में सबको पता चल जाए, हमारा अरबों का नुकसान हो जाएगा। कालिया ये सारी बातें सुनकर दंग रह जाता है। क्यों भाई कालिया, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, ये लोग क्या करने वाले हैं? लल्लन भाई, वो लोग तो अरबों के हीरो की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, यही सही मौका है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। तुम कहना क्या चाहते हो भाई, क्या ये बात हम सरकार को जाके बता दें? अरे नहीं नहीं मूर्ख, सारे किए कराए पे पानी फेरना चाहता है क्या? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम चुपके से उस रॉकेट में जाकर बैठ जाए जिससे हम भी रॉकेट के साथ साथ चांद पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां पहुंचकर सारे हीरो को समेट लेंगे और वापस चुपके से उस रॉकेट में जाकर बैठ जाएंगे और उसी रॉकेट से वापस धरती पे आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई तुमने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है, अगर वो रॉकेट चंद्रमा पे पहुँच कर वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमें तो रॉकेट उड़ाना भी नहीं आता। अरे तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, ये रॉकेट वहाँ खोजबीन करने जा रहा है, इसलिए ये कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा, बस हमें सही समय पर उस रॉकेट में बैठ जाना है बस। भाई मुझे तो इस तरकीब में बहुत गड़बड़ लग रही है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे भाई कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मेरा विश्वास करो, हम आज रात ही चुपके से जाकर उस रॉकेट के अंदर बैठ जाएंगे, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। रात होने पर वे दोनों रॉकेट में बैठने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। चलो भाई कालिया, वो रही हमारी मंजिल, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ। फिर वे दोनों दबे पांव उस रॉकेट तक जाते हैं और उसका दरवाजा खोलकर चुपके से उसमें बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वह साइंटिस्ट उस रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं।
बढ़िया भाई, पकड़ के रहना, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही पता था तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे बचाओ रे, अरे ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अरे हाय ललन भाई, मेरी तो सांस ही अटक रही है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, अब की बार मैं नहीं बचने वाला। कालिया भाई रोना बंद करो। और वो देखो नीचे का नजारा कितना खूबसूरत है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ भाई लल्लन, तुम सही कहते हो। लल्लन भाई ये मुझे क्या हो रहा है, मैं हवा में क्यों उड़ने लगा हूँ, कहीं मैं सच में तो बुलबुला नहीं बन गया। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है। कालिया भाई डरो मत, इसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम घबराओ मत, हम कुछ ही देर में चांद पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर इंतजार करने पर रॉकेट चांद पर पहुंच जाता है और चांद की सतह पर उतर जाता है। वो देखो कालिया भाई, हम पहुंच गए, नीचे देखो चांद दिखाई दे रहा है। चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं मूर्ख, ये हमारी पृथ्वी नहीं है जो यूं ही सैर सपाटे पर निकल जाएंगे। चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती, स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? ओहो कालिया भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। वो देखो वहाँ दो हेलमेट पड़े हुए हैं, अगर हम वो पहन लें तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर वे दोनों वो हेलमेट पहन लेते हैं और रॉकेट का दरवाजा खोल कर बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह वाह कालिया भाई, हमने कर दिखाया, आखिरकार हम चांद पर पहुँच ही गए। अरे लल्लन भाई वो देखो, वो साइंटिस्ट की बात तो सच साबित हुई। वहाँ देखो, वहाँ तो हीरो का भंडार लगा हुआ है। चलो जल्दी से हीरे समेट कर वापस रॉकेट में बैठ जाते हैं। वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरों को एक थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह वाह, मैं तो अरबपति बन गया, आज तो मजा ही आ गया। तभी चंद्रमा की मिट्टी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे लल्लन भाई ये आवाजें तो कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। तभी एक चुड़ैल मिट्टी के ढेर में से बाहर निकल आती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, इसने तो चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अरे साइंटिस्ट हो तुम्हारा नाश मीटे, तुम्हें इतने छोटे छोटे हीरे दिखाई दे गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल क्यों नहीं दिखी? फिर वे सारे हीरों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वापस रॉकेट में चढ़ जाते हैं। अरे लल्लन भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, कहीं ये चुड़ैल अंदर ना आ जाए। अरे मर गए रे, हे भगवान हमारी रक्षा करो, यहाँ तो आप जल्दी सुन लोगे, हम तो आपके कितने नजदीक आ गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आ जाओ। अरे मर गए रे, मैंने तो पहले ही कहा था ये बहुत खतरनाक तरकीब है, लेकिन तुम्हें हीरो का लालच खाया जा रहा था। कालिया भाई मुझे क्या पता था, ये चुड़ैल चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम घबराओ मत, ये चुड़ैल रॉकेट के अंदर नहीं आ सकती, बस कुछ ही देर में ये रॉकेट उड़ जाएगा और हम वापस अपनी धरती पर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह रॉकेट चंद्रमा से उड़ जाता है और वापस धरती की ओर बढ़ने लगता है। अरे वो देखो कालिया भाई, हम बच गए, बस थोड़ी देर में ये रॉकेट वापस धरती पर पहुंच जाएगा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी ही देर में वे लोग वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वे लोग रॉकेट से बाहर आते हैं, वे साइंटिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। भाई साहब हमें माफ कर दो, हम गलती से आपके रॉकेट में बैठ गए थे, हमें लगा ये एक झूला है, लेकिन ये तो हमें उड़ाकर चंद्रमा पे ले गया। साइंटिस्ट भाई वहाँ हमें बहुत सारे हीरो का भंडार मिला। साइंटिस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं। देखा डॉक्टर कुमार, मैंने आपसे कहा था ना, चंद्रमा पर हीरो का भंडार छुपा हुआ है। भाई कालिया अपनी अम्मा के बारे में भी तो बताओ, जो हमें वहाँ मिली थी, जिससे हम अपनी जान बचा कर आए हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हें चांद पर कौन मिला था? साइंटिस्ट भाई जैसे ही हम चांद पर उतरे, हम दोनों वहाँ हीरो का भंडार देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक से एक चुड़ैल वहाँ आ गई। वो जरूर उन हीरो की रखवाली कर रही है, उसकी वजह से हम एक भी हीरा अपने साथ नहीं ला पाए, बस किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आए। वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि कोई एलियन होगा। पता नहीं साइंटिस्ट भाई, हमें तो बस इतना पता है कि हम आज बाल बाल बच गए। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें फिर से चांद पर जाना होगा और वो हीरे वहाँ से लेने होंगे। तेरा नाश मीटे साइंटिस्ट, हमें फिर से मौत के मुँह में धकेल रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमसे पूछ कौन रहा है,
हम तो तुम्हें बता रहे हैं। फिर वे सारे साइंटिस्ट मिलकर लल्लन और कन्हैया को फिर से उस रॉकेट में चढ़ा देते हैं और रॉकेट को चंद्रमा की ओर रवाना कर देते हैं। साइंटिस्टो, तुम्हारा नाश मिटे, हमें फिर से मरने के लिए भेज दिया। अरे मर गए, कोई तो हमें बचाओ। लल्लन भाई, रॉकेट का दरवाजा खोलो, मैं अभी यहीं से कूद जाऊंगा। यहाँ से कूद के मरना चाहते हो क्या? चुपचाप बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में वे लोग फिर से चांद पर पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल वही उनका इंतजार कर रही होती है। राजा जी, आप वापस आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, जरा बाहर तो आइए ना। अगर आप इसका भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।